नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2018 के कट ऑफ के बारे में, कितना कट ऑफ जाएगा। दोस्तों, पहले अपन यहां पर डिटेल चर्चा करेंगे 2013 की, कि 2013 में क्या रहा था फाइनल कट ऑफ। उसके बाद इसके एनालाइज करने के बाद हम आपके लिए इससे कंपेयर करके बताएंगे कि 2018 का लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जो 2013 में कट ऑफ गया था उसमें बहुत सारे चेंजेस थे, जो कि 2018 में उसमें बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं 2013 और 2018 के बीच क्या क्या अंतर होने वाला है कट ऑफ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं 2013 और 2018 के बारे में। दोस्तों, 2013 में जो पेपर था वह नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उसमें, ठीक है। और 2018 में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आपका 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पेपर लेवल की बात करें, दोस्तों 2013 में पेपर थोड़ी इजी और मॉडरेट था, यानी कि कम कठिन था, ज़्यादा कठिन नहीं था। और ऐसे ही 2018 में भी सेम यही कंडीशन थी पेपर के बारे में। इसके बाद दोस्तों रेस की, दोस्तों 2013 में जब दौड़ होती थी उसमें प्लस 100 नंबर मिलते थे, यानी कि यदि आपने 20 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रेस कवर कर ली 20 मिनट में, तो आपको 100 मार्क्स मिल जाते थे। यदि आपने 25 मिनट में की तो आपको 80 नंबर मिलते थे। यदि आपने 30 मिनट के अंदर रेस कवर की तो आपको 60 नंबर मिलते थे। ऐसे करके हाईएस्ट 100 नंबर प्लस हो जाते थे आपके मार्क्स में। यदि आपने 20 मिनट के अंदर इतनी रेस कंप्लीट कर ली तो आपको उसका 100 नंबर मिल जाते, तो वह भी ऐड हो जाते थे। लेकिन दोस्तों 2018 में रेस में कोई भी नंबर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि रेस में केवल आपको यहाँ पर क्वालिफाई होना है, वो भी 25 मिनट के अंदर इसमें क्वालिफाई होना है। इसके बाद दोस्तों कंपटीशन की बात करें, दोस्तों यहाँ पर जो 2013 में थोड़ी लो था, यानी कि यहाँ पर हाई नहीं था, क्योंकि यह 5 साल पहले की बात है। और दोस्तों इसी में 2018 की बात करें, दोस्तों 2018 में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल हो गया है, क्यों 2013 की अपेक्षा बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसियों के बारे में या पोस्टों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले 2013 की बात करें, 2013 में पहले दोस्तों वैकेंसी निकाली गई थी, लगभग 20,000 वैकेंसी निकाली गई थी। उसके बाद दोस्तों इसमें 14,500 वैकेंसी और यहां पर ऐड की गई थी, जिसमें यह लगभग 34,500 वैकेंसी हो गई थी। वहीं पर 2018 में दोस्तों यह वैकेंसी निकली है 41,520 वैकेंसी यहाँ पर थी, जो कि जिसका पेपर हो गया है। दोस्तों इसी के बाद दोस्तों जो 2013 में यहाँ पर 34,000 पोस्टें थी, तो उनके लिए फिजिकल के लिए बुलाया गया था लगभग 1,29,000 लोगों को बुलाया गया था। कितना? 1,29,252 लोगों को यहाँ पर फिजिकल देने के लिए बुलाया गया था। और वहीं 2018 की बात करें दोस्तों, 2018 में दोस्तों यह जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार केवल 62,000 ही विद्यार्थी फिजिकल देने को बुलाए जाएंगे, यानी कि आप फिजिकल के लिए ओनली 62,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं 2013 के फाइनल कट ऑफ के बारे में। दोस्तों 2013 का फाइनल कट ऑफ रहा था, यहाँ पर दोस्तों 300 मार्क्स का पेपर था और यहाँ पर 100 प्लस मार्क्स मिल जाते थे किसके? रनिंग के। तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते या टोटल नंबर हो जाते थे 400 नंबर। दोस्तों 400 नंबर यहाँ पर जनरल वालों को हाइएस्ट गया था, 312 नंबर गया था जनरल वालों का हाईएस्ट कट ऑफ 2013 में गया था। इसके बाद दोस्तों ओबीसी वालों का गया था 307 और एससी एसटी वालों का लगभग गया था 295, ठीक है। यह दोस्तों 2013 का फाइनल सिलेक्शन यानी कि फाइनल कट ऑफ है फिजिकल के बाद हुआ था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं 312 वैसे पर यदि -100 करेंगे तो 212 जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि यदि 300 प्रश्न में से 300 में से 212 हाईएस्ट नंबर यानी कि हाईएस्ट यहां पर कट ऑफ गया था जनरल वालों का। दोस्तों ओबीसी वालों के 307 में से 100 माइनस करेंगे तो 207 बचेंगे और 295 में से 100 माइनस करेंगे तो 195 बचेंगे, यानी कि एससी एसटी वालों का 195 तक गया था कट ऑफ।
दोस्तों हाईएस्ट की बात करें 212 है, तो दोस्तों आप यहाँ पर 212 का परसेंटेज निकालेंगे अपेक्षा 300 की अपेक्षा, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि लगभग 70% यहाँ पर कट ऑफ गया था, यानी कि 300 का 70% यहाँ पर कट ऑफ गया था 2013 में, ठीक है, कितना 70%। दोस्तों इसी के अनुसार आप 2018 का कट ऑफ की बात कर लेते हैं, 2018 में जो कट ऑफ होने वाला है दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग है 1/4, इसलिए कोई भी यहाँ पर अपने तुक्का नहीं लगा सकता, जितने क्वेश्चन कन्फर्म होते हैं उतने ही क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। दोस्तों सबसे फिर वो यहाँ पर गुड अटेम्प्ट रहा है 125-30 के समथिंग रहा है, ठीक है, 150 क्वेश्चन थे जिसमें से आप उन्होंने लगभग 125 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, जो कि राइट होने की संभावना, बाकी 10-20 तो क्वेश्चन सभी लोग छोड़ते थे क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, 1/4 की थी, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी, इसलिए सभी लोग ने 150 क्वेश्चन टिक नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर यदि गलत हो जाते तो उनके नंबर फालतू का कट जाते, ठीक है। दोस्तों यदि उन्हें 125 यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं मान के चलो, तो दोस्तों 125 में से यदि उनके जाने 20 क्वेश्चन, यदि 10-10 क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपके 4-5 नंबर वैसे ही कम हो जाते हैं, ठीक है। यदि आप 225 मान के, तो 225 में से यदि उनके 20 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाते हैं, तो माइनस इसके कितने 5 अंक नंबर बनते हैं, ठीक है, 5 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं 20 प्रश्नों के। दोस्तों अब 125 में से यदि 20 प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो बचते हैं टोटल कितने 105 क्वेश्चन यहाँ पर राइट बचते हैं, और 105 दोस्तों यह 1 प्रश्न होता है कितने 2 नंबर का होता है, जैसे 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पर हो जाते हैं 210 नंबर हो जाते हैं टोटल, ठीक है, कितने 210 मार्क्स हो जाते हैं हाईएस्ट जो होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि माइनस मार्किंग यहाँ पर दोस्तों फिर 5 नंबर इसके माइनस कर देते हैं, तो दो इसमें से आप 5 माइनस करोगे तो दोस्तों कहाँ पर आप पाएंगे कि लगभग 205 नंबर आप हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस करने के बाद। तो अब दोस्तों इसी हिसाब से चलते हैं, यहाँ पर कट ऑफ देख लेते हैं क्या कट ऑफ होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ दिया है, यदि आपके 135 गुड अटेम्प्ट किए हैं आपने, तो क्या होगा दोस्तों, 135 आपने यदि 150 में से अटेम्प्ट किए हैं, तो आपका जनरल वालों का यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है लगभग 180 से 190 तक आपका कट ऑफ जाने वाला है, जो कि फिजिकल के लिए होगा। इसके बाद ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी में भी आपका 180 से 185 तक कट ऑफ जाएगा, और वहीं एससी और एसटी वालों की बात करें, तो 175 से 180 तक कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। दोस्तों आप 2013 की अपेक्षा इसको एनालिस कर सकते हैं, क्योंकि 2013 में माइनस मार्किंग नहीं थी, इसलिए सभी लोगों ने लगभग 185 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और 150 में से यदि उनके 10-20 गलती हो जाते थे हैं, तो लगभग उनके 135 आंसर सही हो जाते थे, जिससे अपेक्षा ज़्यादा कट ऑफ चला गया था। लेकिन 2018 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिन लोगों पर आवे जितने भी स्टूडेंट थे जिनका सही क्वेश्चन राइट आंसर होता था, केवल वो वही टिक करते थे, इसलिए इसका ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि जनरल वालों का थोड़ा हाई हो जाता है, इसलिए इनके लिए 180 190 कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि कोई ने 150 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, जिन्होंने 150 किए और उनके 185 सही हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता, संभव ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत ही होते हैं, इस वजह से 300 नंबर किसी को नहीं मिल सकते। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बाद जो हो जाता है जनरल वालों का, यहाँ पर बता दिया है कितना 180 से 190, यदि आप नॉर्मलाइजेशन होती है तो कुछ इसमें माइनस प्लस नंबर भी हो सकते हैं, यानी कि 10 या 5 नंबर इसमें माइनस प्लस हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी यहाँ पर जो भी नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें 5 प्लस या 5 प्लस माइनस के अंदर से इसका कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यदि आपके लगभग इसके एवरेज में या फिर इसके आसपास ही आपके नंबर आते हैं सही सही, तो आप फिजिकल की तैयारी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल की डेट आने ही वाली है, क्योंकि दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में इसकी फिजिकल होने वाला है, तो आप इसके जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी कर दीजिएगा। यदि आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप और अच्छे से तैयारी इसमें कर दीजिए, क्योंकि आप जल्दी से इसका फिजिकल देने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस हम यही जानकारी देने वाले थे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।